नमस्कार। प्रेसक्रिप्शन रो आउ एक स्वतंत्र अध्याय को आपण समस्तंकु स्वागत करुछि। मु निवेदिता दर्शक बंधु, आगरु कम थिला रोग संख्या, कम थिला रोगीक संख्या, किंतु धीरे धीरे रोगर संख्या बढ़ुछि। आ सहित मेडिसिन रो लंबा तालिका, ए सबु भितरे सठिक समय रे रोग को जाने बुझि सचेतन हेबा मध्य जरूरी। तेणु आपणकु जेकोणसी रोग सम्बन्धे सचेतन कराइबा पई आमर ई स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन। दर्शक बंधु, अधिक चर्बीजातीय खाद्य बा तेल मसला जातीय खाद्य खाइबा जोगु आमे विभिन्न रोग को सामना करुछंती, विभिन्न रोगर शिकार होउछंती। किंतु बड़ कथा होउछि, जदि आमे टिके सचेतन हो जाउछे ताहेले हुएत आमे से रोग ठारु दूरै रहि पारिबा। तबे ता मध्यरे कोलेस्ट्रोल होउछि गोटे बड़ समस्या। किंतु अनेक लोक आम भितर अछंती जो माने जानि नथांती जे कोलेस्ट्रोल कोन, कोलेस्ट्रोल जदि होउछे ताले ये कोन आम शरीर रे प्रभाव पकाउछि, ये रोग कोन कोन सब रोग को डाकि आनि पारे, ए तमाम दिगो को नै आमे आज आलोचना करिबा। आज रो जो टॉपिक अछि कोलेस्ट्रोल केमिति करिबे नियंत्रण, ए सब को नै आलोचना पई आज आम सहित स्टूडियो रे आसी उपस्थित होइ छथि। आम सहित अछंती आज डॉक्टर विपिन बिहारी महांती, जे कि सीनियर कार्डियक सर्जन अर्थात वरिष्ठ हृदशल्य विशेषज्ञ, केयर हॉस्पिटल कार्यरत, बेस अभिज्ञता, अधिक दिन धरी से क्षेत्र रे काम करछंती। विस्तृत भाबरे आमे अर्ध घंटा धरी चर्चा करबा। सर नमस्कार, स्वागत करू छी आपनको प्रेसक्रिप्शन को। सर केमते अछंती? हेलो अच्छा, थैंक यू। ओके सर, आज जमी कहती टॉपिक अच्छी कोलेस्ट्रोल केमी करेंगे नियंत्रण। अनेक लोक आम भितर सर अच्छा जो मैंने जाणी नाथ कोलेस्ट्रोल कौन। सर फास्ट क्वेश्चन सर रहा, कोलेस्ट्रोल कौन? कोलेस्ट्रोल हूँ एक प्रकार फैट। यहाँ गोटे फैट सब्सटेंस जोटा कि आम बॉडी दरकार, किंतु भल कोलेस्ट्रोल आम बॉडी दरकार, जो डे टू डे एक्टिविटी यहाँ निहाती दरकार। आउ कोलेस्ट्रोल बॉडी रे रहिले सेथुरु मध्ये हार्मोन तयार हुए, किंतु कोलेस्ट्रोल जो फैट आसुछि से केते प्रकार फैट सेटा भी मु कहिबि। फैट होउछि तीन प्रकार, गोटे होउछि अनसैचुरेटेड फैट, गोटे होउछि सैचुरेटेड फैट, गोटे होउछि पॉली अनसैचुरेटेड फैट। बर्तमान सैचुरेटेड फैट बेसी खाइले कोलेस्ट्रोलटा बेसी हुए। आउ से कोलेस्ट्रोल केते प्रकार से विषय मध्ये मु कहिबि। कोलेस्ट्रोल गोटे होची भलो कोलेस्ट्रोल जोटे कहती एचडीएल कोलेस्ट्रोल, आउ गोटे होची एलडीएल कोलेस्ट्रोल, सेटा कहती बैड कोलेस्ट्रोल। बैड कोलेस्ट्रोल माने जदि आमे बेसी परिमाणर फैट जिनस खाइबा, सैचुरेटेड फैट जिनस, सेगुडाक आम देहरे जमी रहिबो, आउ सेटा आमर कोरोनरी आर्टरी रे बांधिबो, तांगो वाल रे लागिजिबो। लागिला परे सेटी कोन हबो, सेटी गोटे आथेरोमा बा गोटे प्लाक सृष्टि हबो, जोटा कि आर्टरीर लुमेनटाकु न्यारो करिबो। न्यारो करिया परे कोन हबो, सेटा धीरे धीरे आम जदि बेसी फैट खाइबा कंट्रोल करिबानी, सेटा धीरे धीरे बढ़िकी सेटा गोटे बड़ प्लाक सृष्टि करिबो, जोटा कि ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन कमे दबो, सेही समय रे पेशेंट मानकर चेस्ट पेन होबार चांस थाए। ओके, तबे डॉक्टर मानती आउ गोटे कथा मते जानिबा को चाहबो, कोलेस्ट्रोल कोन आपण बुझाउतिले कि कोलेस्ट्रोल सर वृद्धि होबार कोन आपसे सब निर्दिष्ट कारण रहै छै? कारण हूँ ये गोटे जेनेटिकली पारे, ता छड़ा खाद्य उपर बहुत निर्भर करे, स्मोकिंग, अल्कोहल, आउ टू मच ऑफ फैटी डाइट जो थे कि सैचुरेटेड फैट बेसी थाए से कोलेस्ट्रोल डिपोजिट हुए बॉडी रे, आउ मेदा वृद्धि हुए जो कहते हैं ओबेसिटी बढ़ी जाए। तो डॉक्टर महांती जमी ओबेसिटी क्या कहते हैं मेद बहुलता, तो सर कोलेस्ट्रोल जो वेट अधिक बढ़ी जाए या पचर कारण ना ना जो मान वेट अधिका रोचे से मानते कोलेस्ट्रोल चान्सेस रोचे ना जो मान कोलेस्ट्रोल बढ़ो से मेद वृद्धि हम जो मैंने बेस सैचुरेटेड फैट जिनस खाइबे। सैचुरेटेड फैट जिनस कौन धर है मटन है रेड मीट आउ है जो लहुणी मानने डायटरी प्रोडक्ट, डायटरी प्रोडक्ट अल्कोहल आउ स्मोकिंग इट कजेस मोर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। स्मोकिंग आउ अल्कोहल ए दुटा गोटे एक प्रकार कोलेस्ट्रॉल करे जोटा कि ट्राइग्लिसराइड हुए, ट्राइग्लिसराइड परिमाण बढ़िले आमको सेटा को हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया बा डिसलिपिडेमिया भी कहा जाए। तो सर आउ गोटे कथा मध्ये जानबा को चाहिबो जे जो कोलेस्ट्रोल वृद्धि सर आपण जेमिति कहथले जे एचडीएल एवं एलडीएल, सर गोटे बैड कोलेस्ट्रोल गुड कोलेस्ट्रोल दुटा दुईटी आम रही सर, माने जदि कोलेस्ट्रोल बढ़ुचे जनकर तो सर ताको केमिति नियंत्रण करा जाय पारिबो? देखंतु नियंत्रण करिया बहुत प्रकार उपाय अछि। फर्स्ट थिंग इज डाइट, डाइटरी हैबिट्स हैज टू बी चेंज्ड, वी शुड चूज डाइट
ୱିଥ୍ ଲେସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ୱି ସୁଡ୍ ଆଭଏଡ୍ ମୋର ଫ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାଟି ଡାଏଟ୍ସ ଫ୍ୟାଟି ଡାଏଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରେଡ଼୍ ମିଟ୍ ଆଉ ତେଲ ବେଶୀ ତେଲିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ବେଶୀ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମର ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ओके सर आ गोटे कथा मध्ये आरो कॉम्प्लिकेशन सर कोन कोन रहै छै जदी कोलेस्ट्रॉल बढ़ौ छै सर आरो सब कॉम्प्लिकेशन कोडा कोन रहै छै सेटा बड़ गुड क्वेश्चन एक्चुअली जेतले कोलेस्ट्रॉल देहर बढ़े सेटा हमरो सीरा प्रोसेसर रे जमी जाए जोटा कहंती हार्ट रो मेन एटा कोलेस्ट्रॉल अधिक हले हार्ट अटैक होवर चांस थाए ब्रेन स्ट्रोक होवर चांस थाए और बेसी जदी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए फीमेल मानकर सेमानकर पैनक्रियाटाइटिस होवर भी चांस थाए सेही कोलेस्ट्रॉल जतले बढ़ी जाए से आर्टरी रो आर्टर जो तीन टा लेयर अच्छी से मझी लेयर से डिपोजिट होकर आर्टर भितर अंश को फुले दिए कहते आथेरोस्क्लेरोटिक आथेरोमा यहाँ धीरे धीरे जो बड़ हम से प्रोसेसटा को कहते आथेरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल अधिक हेले आथेरोस्क्लेरोसिस हुए आउ ब्लड सप्लाई हार्ट को कमे दिए से समय पेसेंट मैंने बहुत चेस्ट पेन फिल करती कहते आंजाइना आउ ब्रेन को हुए से पूरा बंद हो जाए से हार्ट स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक हुए। ओके सर जड़े कलर आम सहित जोड़ी सौम्यरंजन बाबा आम सहित भुवनेश्वर जोड़ी आज स्वागत कर प्रेसक्रिप्शन को कम प्राच रही कहत ଜଣଙ୍କର ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ ଦେହରେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ସେଇଟାକୁ ହାଇପୋଥାଇରଏଡ୍ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଥାଇରଏଡ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହରମୋନ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇଟା ତାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ ତାର ରିଲେସନ୍ ଅଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇପୋଥାଇରଏଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଥାଇରଏଡ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଭଲ ହୁଏନି ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ କମ୍ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ହାଇପର୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲମିଆ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ହାଇପୋଥାଇରଏଡ୍ ହେଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। तो निश्चित भाव में धन्यवाद सौम्यरंजन बाबू कॉल कर तेज डॉक्टर महांती जमी से थायरॉइड कथा मत मन में प्रश्न थी तो सर यह जानवा को चाहबू जो कोलेस्ट्रॉल जो आउ कौन कौन सब रोग कोलेस्ट्रॉल डाक आनीपर आम कहीपर या रिलेट करके एक तो गोटे कहली मेद बहुलता हुए लोक बहुत मोटा हो जाती मोटापन हो जाए तापर यही कोलेस्ट्रोल जो करोनरी आर्टरी डिपोजिट हुए से आथ्रोमाटस प्लाक सृष्टि हुए और से आथ्रोमाटस प्लाक जो रप्चर हुए आक्यूट हार्ट आटाक हुए सेमती ब्रेन भितर से कोलेस्ट्रोल डिपोजिट होता है से आर्टरी से समय ब्रेन स्ट्रोक होवार चान्स था। ओके तबे डॉक्टर महंती जमी आप कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक कथा कहते मोटापण ओबेसिटी कथा कहते तो सर केमी प्राइमरी स्टेज को डायग्नोसिस करिबा कोलेस्ट्रोल को एक्चुअली आम तो एमती जापर जदि गोटे लोकर बेसी मोटा अच्छी एमती भी इट इज जेहेतु ये जेनेटिकली ऑल्सो ट्रांसमिटेड आम कोलेस्ट्रोल संदेह करें आम गोटे बॉडी चेकअप दरकार जो थे कि आम कोलेस्ट्रोलटा चेक करा कोलेस्ट्रोल में टोटल कोलेस्ट्रोल एलडीएल कोलेस्ट्रोल एचडीएल कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड आउ बी एलडीएल ये पांचटा को लेकर आम कोलेस्ट्रोल चेक करा कौ कौ कोलेस्ट्रोल के मात्रा रहा दरकार से लोक मैंने जाना दरकार टोटल कोलेस्ट्रोल आम बॉडी भितर 160 रु 180 रही भल आउ एलडीएल कोलेस्ट्रोल 100 रहिले भलो गोटे नॉर्मल हेल्दी लोक मानकर 100 रहिले भलो किंतु जो मानकर बेसी मोटापन अछि तांकर 70 रहिले भलो तापर एचडीएल कोलेस्ट्रोल आम बॉडी पे बहुत भलो सेटा जेतेबेले नॉर्मली 35 रु 50 भीतर रहिले मध्ये किछ असुविधा नै सेटा जते अधिक हेले भलो सेटा बढ़िया पे आमको बहुत प्रकार डाइट कंट्रोल बालेश्वर जो कलर जोड़ी स्वागत प्रेसक्रिप्शन को कौन प्रश्न रही कहते नमस्कार कौन प्रश्न रही एक्चुअली चर्बी बढ़ी जाए कथा कि एटा ओडे बड़ मु कहे चाहे आपण घरे जदि कि मोटा लोक थे आपण बापा कि माँ से जेनेटिकली ट्रांसमिटेड भी हुए आपण एज आप कोलेस्ट्रोल चेक करवा दरकार आपण
जो फैट जिनस खाऊँ चर्बी जितिया जिनस खाऊँ से गुड़ाक आप अवॉइड कराया दरकार से गुड़ाक जो फैट मुझे कहली जहाँ तीन प्रकार फैट अच्छी गोटे सैचुरेटेड फैट जो खाद्य सैचुरेटेड फैट अधिक थाए से गुड़ाक अवॉइड कराया दरकार जथा से गुड़ाक है कौन गोटे है बटर आ गए है घी आ गए है डायट्री प्रोडक्ट लाइक चीज आउ रेड मीट एगुड़ा सब आप अवॉइड कले भल मानि नुहे आप जमा खाइबे आप खाइबे कि तार छोट छोट पोर्सन खाइबे लाइक मीट गोटे जिनस रेड मीट आपको ग्रिल मीट कर खाइले तार सब तेल जिनस गुड़ा नष्ट हो जाए आपको आउ जो गुटा कहली चर्बी जितिय जिनस चर्बी जितिय जिनस भितर गोटे हूँ चीज गोटे हूँ बटर आ गए हूँ घी यही जिनस गुड़ा सब अवॉइड करेंगे आउ बेसी मीठा जितिय जिनस खाइबे कारण मीठार मेटाबॉलिज्म है कि कोलेस्ट्रॉल तैयारी हुए से ग्लुकोजेनोसिस है तेणु मीठा जितिय जिनस अवॉइड करेंगे आपण डाएट चेंज कर डाएट कौन चेंज करेंगे आप बेस सीरीयल जिनस खाइबे सीरीयल है आप जो जो थे कम फैट थाए छड़ा आप सप्ताह को गोटे दुटा अंडा खाईपर मेनली खाइले भल सप्ताह दु थर खाईपर बेसी परिमाण में खाइबे सब मॉडरेट क्वांटिटी खाइबे आउ लास्ट जिनस जो गुटा सी फिश अच्छी जो थे कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड बेसी थाए से गुड़ाक अभ्यास कर खाइले भल हाँ ओके सर आउ जो कलर निश्चित कोईल जोड़े आज स्वागत कर प्रेसक्रिप्शन को कौन प्रस रही कहतु मैडम जेनेल खाया सर बसी गले उठी पारना खिया पिया सब कर बसी गले ओके निश्चित भाव में डॉक्टर हम सहित अच्छा सर तक प्रश्न यह था माँ को 66 एज से डॉक्टर को देखे थे मेडिसिन भी कंटिन्यू कर सर कि बसिले से उठी पार ना से बहुत मोटा है निश्चय बेस मोटापन कौन हम आर्थराइटिस हाँ नाते दिन पर 66 सरकार तो एक्सरसाइज करें मॉर्निंग वॉक करवा दरकार हाँ कौन सी प्रकार फैट जित जिन खाइबे से गुड़ा सब आप अवॉइड करेंगे बेसी डाली जितिया जिनस शाग यू टाइप खाइले से कोलेस्ट्रॉल परिमाण कम सी फिश खाईपर रेड मीट जमा खाइबे आउ टे मॉडरेट एक्सरसाइज मैंने सप्ताह को मिनिमम पाँच दिन 20-25 मिनट लगे एक्सरसाइज मैंने चलाबुला कले भल मैंने चलो मैंने टी नरम नर्माल चलो ना टी द्रुत गति से चलिए ब्रिस्क वॉकिंग कहा जाए सप्ताह को मिनिमम 1.5 hours मैंने 50 डेली आटलिस्ट 20 मिनिट्स फर 7 डेज और 30 मिनिट्स इन टू 5 डेज कले आपंकर कोलेस्ट्रोल परिमाण निश्चित कम आम टार्गेट हवा दरकार जे गोटे सप्ताह मिनिमम गोटे पाउंड कमिया दरकार से कमी कम सब डायटरी हैबिट उपर बहुत निर्भर ओके निश्चित डॉक्टर महांती आम डायट उपर कथा जे कहीं कोलेस्ट्रोल बढ़ा पचर ये भी गोटे कारण तेणु समस्त डायट मेन्टेन करवा दरकार आम आलोचना करवा आगे कि दर्श बंधु समय को छोटो ब्रेक र कुआडे जातु नहीं प्रोग्राम देखु था स्क्रीन स्क्रल हो नंबर आमको जोजोग करूँ दर्शक डाक्तों सह कहूँ समय को छोटो ब्रेक र्रेक पर खूब शीघ्र फिर ब्रेक पर स्वागत दर्शक बंधु आम आलोचना करशेषकर कोलेस्ट्रोल केमी करें नियंत्रण सबको नहीं आलोचना करमी ब्रेक पूर्व कौली डाएट मेन्टेन करवा नि दरकार ये गोटे बड़ कारण आम समस्त लाइफ स्टाइल जेहतु चेंज हो जाए डॉक्टर महांती पुणे थे स्वागत करी डॉक्टर महांती आम जमी आलोचना करूँ डाएट गोटे प्रपर डाएट दरकार गोटे हेल्दी लाइफ स्टाइल मेन्टेन तो सर कोलेस्ट्रोल को नियंत्रण सर आमको डाएट चार्ट कौन प्रस्तुत करवा दरकार केमी मेन्टेन करवाचुअली आमर बॉडी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी फैट टे दरकार कि मानि नुहे आम बहुत फैट खाए बहुत फैट खाइले वेट गेन हम तापर एक्चुअली फैट गोटे सब खाद्य आसे यहाँ हूँ सब बैड न्यूट्रिएंट इन द डाइट अन्न डाएट अपेक्षा यहाँ भल नुहे कि तार मात्रा अधिक हवा उचित नुह से अनुसार आम डाएट को कंट्रोल करवा डाएट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड लीड टू हार्ट अटैक like brain stroke and high triglyceridemia if you take more alcohol and smoking it causes hypertriglyceridemia and this can lead to
sometimes it can lead to pancreatitis. I guess. Our diet control करें भी, हमें वैसे परिवार जैसे जिनसे खाया दरकार, सबूत जब परिवार जिनसे खाया दरकार, जोड़ा कि हमरो रहेला कौनो, बंदा को भी, सागो, बाई कौनो, अमृत बंदा, beans, beans से वैसे low cholesterol था, जैसे में इसका खाया वैसे दरकार, सप्ताह रे थरे दी थरे आपन सर अंडा खाई परबा अंडा सप्ताह रे तीनोटी अंडा खाई परबा आज्ञा 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 आउ माछो मधे खाई परबे किंतु दी पोर्शन मस्ट बी ठीक है सर चर्बी जातीय खाद्य को अवॉइड करबा तेल मसाला को अवॉइड करी जते सिंपल खाइबा सर आ जने कॉलर होछंदी सर जाजपुर जने कॉलर हम से तो जुड़ी छंती आगे स्वागत करछि आपन को प्रिस्क्रिप्शन को कोन प्रश्न रहै छि कोन तो मोर होछ कोलेस्ट्रॉल 298 अछि मोर लिवर रे कोलेस्ट्रॉल रहै छि ओके तो केमती कंट्रोल करबे या प्रश्न आपनकर आगे आगे सर जेमती कोथले मैडम की 298 तांकर लेवल रही छी सर केमती कंट्रोल बहुत बेसी अछि आगे फीमेल मनकर 180 कोलेस्ट्रॉल रहे दरकार एटा मोर देन 100 अछि बेसी तेनो आपन को जहां हम कहलेबे डाइट ऊपर बहुत जिंस निर्भर करे डाइट तो फैट असे ना से तेनो आपन मेनली रेड मीट आ डाइटरी प्रोडक्ट चॉकलेट आ एउटा सब खाइबे और फीमेल मन तो स्मोकिंग कर देना अल्कोहल नहीं देना तो यही होची मेन जिंस बेसी पानी परिवार ऊपर हमें बेसी फोकस करबा दरकार आई गेस सर धन्यवाद मैडम कॉल करथिबारु सर जेमती से कहतले कि तांकरो 298 सर अच्छे लेवल तो सर जने नॉर्मल लाइफ रे माने जने सुस्थ मनीष साधारण लोकटी रो माने कोलेस्ट्रॉल लेवल केते सर रहबा दरकार कोलेस्ट्रॉल मु जहां कहली बर्तन ने कोलेस्ट्रॉल से टोटल कोलेस्ट्रॉल इट शुड बी अराउंड 160 to 180 तापर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इट शुड बी 100 आ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इट शुड बी अबव 40 आ वीएलडीएल इट शुड बी 20 ओके ए कोलेस्ट्रॉल जतले हमर देह बढ़ी जाए आ ट्राइग्लिसराइड मध्ये गोटे इंपोर्टेंट जोटा कि 100 रु अधिक होबा कथा नहि ट्राइग्लिसराइड जो मानकर हुए से माने बेसी सैचुरेटेड फैट जिंस खांती स्मोकिंग से मानकर निश्चय अभ्यास थिबो किम्बा से माने अल्कोहल खाउती सेगुडा सब अवॉइड करे निहाती दरकार ओके निश्चित भाव रे तबे सर आउ जने कॉलर अछंदी बालेश्वर रो आज्ञा स्वागत करू छी आपन को प्रिस्क्रिप्शन को कोन प्रश्न रहै छी कोन तो हेलो आज्ञा नमस्कार मैडम नमस्कार कोन प्रश्न रहै छी कोन तो आज्ञा मो मां को वयस 85 ओके हां मुई डिसी एडवाइस फार्मेसी रे छी मो मां को ने कटक रो एडमिशन करथिली काडे थारे छी करथिली के आर्डरसिन खेले तांकर एलएल वेंट्रिकल ब्लॉक अछि एलवी ब्लॉक अछि ओके ठीक सर देखिले हमर एसएन डॉक्टर सर देखिले से कहले जे पेशमा का निहत लागिबो अच्छा ओके सर तांको एज 85 सर हां ओके हार्ट ब्लॉक अछि माने आपनकर जो ईसीजी हुए से नॉर्मल हार्ट रेट हमर जो पल्स रेट को जाए से नॉर्मली 70 पखापखी 70 ऊपर रहले भलो आज्ञा किंतु जो मानकर हार्ट रेट कमी जाए सेटा ब्लॉक कहते सेटा कंडक्शन डिफेक्ट कहते कंडक्शन डिफेक्ट माने नर्वस सिस्टम रे कंडक्शन डिफेक्ट अछि सेटा निश्चय अगर हार्ट रेट 40 थिबो सेतमे पेसमकर त नियाती दरकार हार्ट ब्लॉक होबार कारण मध्य एटा एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज इन द आर्टरी कोरोनरी आर्टरी होबार चांस थाए राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज थिल मध्य एटा ब्लॉकेज होबार चांस थाए तेनु पेसमकर त दरकार पेसमकर संगे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल मध्य करिया दरकार ओके सर जेम के अपन कहतले जो सब डिजीज होई पारे कोलेस्ट्रॉल वृद्धि जो को सर हार्ट सोई तो कोन लिंक रहै छी सर हार्ट अटैक रो चांसेस रहौ छी कि जदी कोलेस्ट्रॉल रो हम प्रॉपर टाइम रे डॉक्टर को परामर्श न कोछन ती एटा जदी बढ़ु छी धीरे धीरे त सर हार्ट ऊपर बड़ प्रभाव पड़ी पारे कि निश्चित भाबे काहेकि हम कहली ए जो कोलेस्ट्रॉल सैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल टा बहुत खराब जोटा कि कहती से सैचुरेटेड फैट बेसी खाइले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हुए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मात्रा बुद्धि जाए सेटा बढ़िले से कोलेस्ट्रॉल टा कौन हुए ब्लड सर्कुलेशन जाकर आर्टरी रो मध्य भाग रे जोटा कहती टुनिका आर्टरी रो तीन प्रकार लेयर अछि कोटा होची टुनिका एडवेंटिशिया मिडिल लेयर इज टुनिका इंटिमा आ भीतर होची एंडोथेलियल लेयर जोटा कि हमन को टुनिका एंटीमा तो कहते आ टुनिका मीडिया जो गुटाक टुनिका मीडिया कोलेस्ट्रॉल जा जमाट बांधे बांधिक कौन हुए कालक्रमे से डिपोजिट हुए से डिपोजिटा आर्टरी को फुले दिए फुले जो लुमेन जो बटे ब्लड जाए से बाटा धीरे धीरे बंद हो जाए जो बेस सैज बड़ हो जाए कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो चले तेणु बढ़ेगले आथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस कहते कहते आथेरोमाटस प्लाक जो फाटी जाए
ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଇ କମେଇଦେବ, ତାଦ୍ୱାରା ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଚାଲିଲେ ଧଇଁସ ହେଇଯିବେ, ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେବ, ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସାର୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି? କାହିଁକିନା ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ କିଛି ନା କିଛି ଥାଏ ସାର୍, ତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକଟେ ଜାଣିପାରିବନି ନା, ତ ତାକୁ ନିହାତି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦରକାର। ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ମେନ୍ଲି ଆମର ତ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଥ୍ରୋମାଟସ୍ ପ୍ଲାକ୍ ରପ୍ଚର୍ ହେଇକି, ସେଇ ଆଥ୍ରୋମାଟସ୍ ପ୍ଲାକ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ଆର୍ଟେରିର ଯେଉଁ ଲୁମେନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଏ, ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ବନ୍ଦ କରିଦ୍ୱାରା ପେସେଣ୍ଟ ଚାଲିଲେ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିବ, ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ମାତ୍ରା କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଧଇଁସଇଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ। ଓକେ ସାର୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେମିତି କିଛି ଅପରେସନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି ସାର୍? କିଛି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ଆମେ କରୋନାରୀ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ କରୁ, ଏଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୋନାରୀ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ। କରୋନାରୀ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମରେ ଯଦି ବ୍ଲକେଜ୍ ଥିବ ତାକୁ ବାଇପାସ୍ ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାଇପାସ୍ ଅପରେସନ୍ ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ଆଉ ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଅପରେସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ। ଓକେ ସାର୍, ନର୍ମାଲ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତା'ର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାର୍ ବଢ଼ୁଛି, ସାର୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ସାର୍ କେମିତି ରହିଛି, ଆକୁ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯାଏ ଜଣେ ଯଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛି? ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରାହେବ, ଯଦି ତାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଲ୍ଡିଏଲ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଧିକ ଥିଲେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଟ୍ରୋଭାଷ୍ଟାଟିନ୍ ଆଉ ରୋଜୁଭାଷ୍ଟାଟିନ୍, ଦେନ୍ ସୋ ମେନି, ବଟ୍ ମେନ୍ଲି ଦିସ୍ ଟୁ କେମିକାଲ୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ଓକେ ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ ସାର୍ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିପାରିବୁ। ସାର୍ ବାମ ପଟ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ତାଙ୍କର। ସାର୍ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଜ୍ କେତେ? ଏଜ୍ 55। କେତେ? 55। 55। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିଛି କି? ହଁ, ଫୁଲିଛି। ଆମର ସେଇଟାକୁ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ କୁହାଯାଏ, ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସର୍ଜନ୍କୁ ଯାଇକରି କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ତ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ବେଶୀ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଠୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବେଶୀ ନଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ସବୁ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସର୍ଜନ୍ଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଇକରି, ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଯଦି ବେଶୀ ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିଥିବ, ଆପଣ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନଥିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇପାରୁଛି, ଆମର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ସର୍ଜନ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁ କଲର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ, କମସେ କମ୍ ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବେ। ସାର୍, ଯଦି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଉଛି ଆମର, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଭଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ଅପରେସନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସାର୍? ସେଟା ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ବାହାରିଲା ଆରାଉଣ୍ଡ 50% କିମ୍ବା 60%, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇକରି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆଥରୋସ୍କ୍ଲେରୋଟିକ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ରପ୍ଚର୍ କରିବାକୁ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ଲାକ୍, ଅନ୍ଷ୍ଟେବଲ୍, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ, ଫାଟିଗଲେ ସେ ଆର୍ଟ୍ରିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ବେଟର୍ ସାର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗୁଆ କରାଇ ନେବା ଦରକାର, ଯଦି କିଛି ବି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତେଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆଉ କମସେ କମ୍ ଯେଉଁ କଲର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କମସେ କମ୍ ଆଜି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ କମସେ କମ୍ ବୁଝିସାରିଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଥିବାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କେମିତି କରିବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯଦି କିଛି ବି ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।